यूपी के बुलंदशहर में प्राइवेट किलकारी अस्पताल में नवजात शिशु बदले जाने की कथित घटना सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने लड़के को एडमिट किया था, लेकिन बाद में लड़की थमा दी गई, जिसके बाद परिजनों ग्रामीणों के साथ मिलकर हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स में लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण हंगामा ही करते रहे। बुलंदशहर के काला आम स्थित प्राइवेट अस्पताल किलकारी में कथित रूप से बच्चा बदलने की घटना सामने आई है। इसको लेकर अस्पताल में बवाल मचा हुआ है। बच्चा बदले जाने की शिकायत करने वाले परिजनों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में लड़के को एडमिट किया था, लेकिन बाद में लड़की थमा दी गई। परिजनों का आरोप है कि उस दिन अन्य महिलाओं के भी प्रसव कराए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारियों ने बच्चा बदल दिया है। परिजनों ने नवजात का डीएनए टेस्ट करवाने की भी मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने इस तरह की किसी घटना से इनकार करते हुए मामले की जांच करवाने को कहा है। गांव केलावन निवासी राहुल शर्मा की पत्नी कामनी शर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात सामान्य नहीं होने पर चिकित्सकों ने प्रसूता के परिजनों से ऑपरेशन से प्रसव कराने की बात कही। परिजनों की सहमति के बाद ऑपरेशन किया गया। करीब 15 मिनट बाद ऑपरेशन कक्ष से आए डॉक्टर व कर्मी ने लड़का होने की बात बताई। प्रसूता के पति राहुल और अन्य परिजनों ने फोन पर रिश्तेदारों तथा परिचितों ने बधाइयां देनी शुरू कर दी, लेकिन लड़के की तबीयत खराब होने की वजह से लड़के को मशीन में रखा गया था। 23 तारीख की रात को डॉक्टरों ने बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर परिजनों को जब नवजात को सौंपा गया तो वह लड़का नहीं लड़की थी। परिजनों ने इसका विरोध जताया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एक नहीं सुनी। मामले को लेकर प्रसूता के पति राहुल ने किलकारी अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत की है। बुलंदशहर से त्रिलोक चंद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति प्रसाद शर्मा है। आप यहाँ आए हो तो क्या मामला है पूरा बताइए। ये असली मामला ये है जी कि 4 दिन से लड़का हुआ, लड़का का हम पे फोन पहुंचा। मैं लड़के के बाबा का बड़ा भाई हूँ, मतलब लड़के वाले का मैं ताऊ जी जी, और इन्होंने लड़का की बधाई हुई सब रिश्तेदार दिखाई दिया, कहिए 4 बजे के बाद में हम लड़का देख देंगे, वहाँ के बाद में देख लेंगे जी। फिर लड़का यहाँ देखा गया, सब कुछ देख के चले गए, और 4 दिन से इन्होंने लड़का रखा जी। इन्होंने भर्ती भी किया होगा तो मेल फीमेल भी लिखा होगा जी जी। सारे रिकॉर्ड इनके गायब हो रहे हैं। मेल के नाम से रिकॉर्ड है हम पे जी। मगर अब जब लड़का लेने आए तो इन्होंने वो कैंपस पैरा के नीचे और लड़का गोदी में दे दियो जी। और हमने कि भाई ये तो ऐसा है ना, लड़की की से शकल है। वहाँ जाकर देखा, लड़की की माँ को जब दिया गया दूसरे हॉस्पिटल नवजीवन में, उन्हें कि ये तो लड़की है, लड़का है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मैंने देखा ना ये, और मुझे लड़का नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी 24 घंटे में, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये उसके बयान है, अभी वहाँ खाट में पड़ी है, पूरे पेट का ऑपरेशन हुआ पड़ा उसका। इन्होंने ये जितनी गुस्तागी करी, 4 दिन में लड़की बता रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा। तो आप यहाँ हंगामा कर रहे हो, क्या पूरा मामला? मेरा ये है कि मैं इसके यहाँ पे लड़का भर्ती करके आया 20 तारीख में जी। इनको दिखाने के बाद में बालक को नंगा करा और तोला और उसको भर्ती करके गया मेल में जी। उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ, डेली आया हूँ, और इन्होंने मुझे बच्चा उसमें दिखाया शीशे में जी। और उसके बाद में ये दवा देता रहा हूँ, और आज जब मैं इसको रिसीव कराने आया जी, तो मुझे इन्होंने कपड़े मंगाए और कपड़े में बच्चा लपेट के मुझे दे दिया जी। और मैंने ले जाके वहाँ देखा तो जब उसकी डायपर बदली, डायपर चेंज किया जी जी, तो वहाँ पे लड़की निकली, फीमेल निकली जी जी। तब मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा चेंज हो गया है जी। तो डॉक्टर साहब बोले आप वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ वहीं पे 10 मिनट में, और आपका बच्चा है, लड़का है, लड़का ही मिलेगा जी। फिर डॉक्टर साहब वहाँ पहुंचे, डॉक्टर साहब ने पहुंचने के बाद में बोले आपका लड़का था, बोलो हाँ जी, कहते आपका लड़का मिलेगा, देखता हूँ किसी को वो होगा हो। फिर यहाँ आए, यहाँ से बाद में ये सीकरी गए हैं, और सीकरी जाने के बाद में इनका स्टाफ यहाँ भी ये बोला कि जी आपका लड़का था, यहाँ का पूरा स्टाफ बोला कि आपका लड़का था जी जी। तब मैं यहाँ से बोले सीकरी जाने के बाद में, कह जी वो लड़की है जी। तो आपकी लड़की ही है ये, इन्होंने मुझे बच्चा चेंज करके दिया है। एक पेपर भी हॉस्पिटल, जब आप यहाँ लेके आए थे, एक हॉस्पिटल ने पेपर भी नहीं दिया, पेपर पे नाम वाम लिखा था तो उसमें भी मेल लिखा हुआ है, लड़का ही लिखा हुआ है। इनके यहाँ रजिस्टर में मेल ही लिखा हुआ है जो इन्होंने दिया है। इनके हमने मिठाई भी दी है। आपने कोई पुलिस कार्रवाई की है? हाँ, आप पुलिस कार्रवाई की है जी। मैंने 5 घंटे इंतजार देखने के बाद में, आप कहीं से मुझे 20 तारीख से रिकॉर्डिंग दिखा दो, आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा दो, तो उसको ये मने कर रहे हैं कि हमारे पास में 20 तारीख से रिकॉर्डिंग ही नहीं है, ये सिर्फ 2 दिन की दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग, उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे। और हम बोले हमारे बच्चे को वो करो तो ये बच्चे भी नहीं दिखा रहे। ठीक ठीक।